जन्मदिन पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं से मांगा बर्थडे गिफ्ट का। लोकसभा चुनाव में जीत मेरे जन्मदिन का असली तोहफा होगी। मायावती ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी की नींद उड़ गई है। एसपी बीएसपी के कार्यकर्ताओं से कहा गिले शिकवे भूल जाए, चुनाव की तैयारियों में लगे। मायावती ने कांग्रेस को बीते चुनाव के नतीजों से सबक लेने की सलाह दे दी। कहा कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों पर सवाल उठ रहे हैं, किसानों का मामूली कर्ज माफ करने से काम नहीं चलने वाला। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा का, जुमलों से नहीं दाल गलने वाली, जनता तय करेगी 2019 चुनाव के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मायावती ने आर्थिक आरक्षण को लेकर भी बयान दिया, कहा सामान्य वर्ग के गरीबों की तरह मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का 63वां जन्मदिन आज, लखनऊ में ब्लू बुक के 14वें भाग का विमोचन किया, कार्यकर्ता मना रहे जन कल्याणकारी दिवस। दिल्ली में कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की होगी मुलाकात, सीट बंटवारे को लेकर होगी बातचीत। फिलहाल आरएलडी के लिए एसपी बीएसपी ने 2 सीट छोड़ी हैं। अखिलेश यादव खैराना फॉर्मूले से जयंत चौधरी को मनाने की कोशिश करेंगे। खैराना उपचुनाव की तरह आरएलडी के सिंबल पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। ओडिशा के बलांगीर में प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों ने ओडिशा को बुरे हाल में छोड़ा। पीएम ने कहा जिन दलों ने दशकों तक राज किया उन्होंने देश का गौरव नहीं बढ़ाया, मैंने दुनिया के मंच पर देश की आवाज को बुलंद किया। पीएम ने कहा विपक्षी दल योग दिवस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सवाल उठाते हैं, उन्हें देश के सम्मान से ज्यादा विरोध करना भाता है। पीएम ने कहा 4 साल में ओडिशा में सिर्फ रेलवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ का बजट रखा गया, ओडिशा की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। रैली में पीएम ने कहा पिछले 1 महीने में ओडिशा में 20,000 करोड़ की योजनाएं शुरू हुई हैं, योजनाओं से ओडिशा में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। पीएम ने ओडिशा के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ की, कहा यहां समुद्र का किनारा है तो सूर्य का नजारा भी, टूरिज्म सेक्टर बढ़ने से हालात बदलेंगे। पीएम ने कहा नील माधव व सिद्धेश्वर मंदिरों के सौंदर्यकरण का काम जारी है, भुवनेश्वर के मंदिर को भी फिर से बनाया गया है। दिल्ली के जेएनयू देशद्रोह केस में फाइल चार्जशीट पर सुनवाई 19 जनवरी तक लिए टल गई है, जज की छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली। जेएनयू देशद्रोह केस में कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 46 आरोपी, कल दिल्ली पुलिस ने मामले में अपनी चार्जशीट दायर की थी। पुलिस की चार्जशीट में बताया गया 36 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला लेकिन उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने बतौर सबूत जी न्यूज के वीडियो को अहम बताया, सीएफएसएल ने वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की, कुल 13 वीडियो को सीएफएसएल ने सही बताया। जेएनयू देशद्रोह केस में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 124 लगाई गई है, 124 धारा देशद्रोह के मामले में लगाई जाती है जिसमें अधिकतम सजा उम्र कैद होती है। पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की चेतावनी, कहा घुसपैठ का देंगे मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में सोमवार को निकली तेज धूप और हवाओं से हवा की क्वालिटी में सुधार, दिल्ली का औसत AQI 220 तक पहुंचा। लगातार महंगा हो रहा है पेट्रोल और डीजल, दिल्ली में पेट्रोल 28 पैसे महंगा होकर 70.41 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 64.47 रुपए प्रति लीटर। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला जारी, ऑस्ट्रेलिया ने 44 ओवर तक 5 विकेट खोकर बनाए 243 रन।